हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद्यतिमन। आज हम करेंगे राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से, तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं इसको। चैप्टर यदि नहीं भी पढ़ा है तब भी यहाँ पर हर पैराग्राफ में जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे सभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, गणगौर का त्योहार चैत्र मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। गणगौर के त्योहार में किसकी पूजा होती है? गणगौर के त्योहार में किसकी पूजा होती है? तो यहाँ पूजा होती है गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती। तो शिव और पार्वती की पूजा होती है। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन कर्नल जेम्स टॉड भी करते हैं? गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की गणगौर की सवारी बहुत प्रसिद्ध है, जिसे देखकर कर्नल जेम्स टॉड जो है वह इसका भव्य वर्णन जो है वह करते हैं। ठीक है, और यह राजप्रासाद से पिछोला झील के गणगौर घाट तक यह सवारी निकाली जाती है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वह उदयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ कब होता है और इसका अंत यानी समापन किस त्योहार से होता है? तो राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ जो है वो सावन माह में तीज से प्रारंभ होता है और इसका अंत जो है वह गणगौर से होता है। सावन माह में तीज से प्रारंभ होता है और अंत में गणगौर से होता है। तो इसके बारे में तो एक कहावत भी प्रचलित है, आप लोगों ने सुनी होगी कि तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, यानी त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से हो जाती है और अंत जो है वह गणगौर से होता है। तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है श्रावण की शुक्ल तृतीया को। श्रावण की शुक्ल तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स, तीज का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? जहां हमने गणगौर देखा कि गणगौर की सवारी उदयपुर की प्रसिद्ध है, वही तीज का त्योहार जयपुर का प्रसिद्ध है, जिसे गुलाबी नगर भी कहते हैं। तीज का त्योहार गुलाबी नगर जयपुर का प्रसिद्ध है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कजली तीज जो है वह बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज जो है वह बूंदी की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, कजली तीज कब मनाई जाती है? कजली तीज कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है भाद्रपद की तृतीया को। ठीक है, भाद्रपद की तृतीया को मनाई जाती है। तो हमने देखा कि गणगौर का त्योहार जो है वह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुक्ल तृतीया तक चलता है। वहीं हमने तीज का देखा श्रावण की शुक्ल तृतीया को मनती है। कजली तीज भाद्रपद की तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नाइन, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? होली का त्योहार कब मनाया जाता है? यह त्योहार संपूर्ण भारत में, राजस्थान में ही नहीं संपूर्ण भारत में फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन टेन, होली पर कौन सी फसल की कटाई होती है? तो होली का त्योहार जो है वो फागुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बहुत ही जोर शोर उत्साह उल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि ऋतु का परिवर्तन होता है, रबी की फसल की कटाई होती है। तो इस मनोरंजन से, इसके उत्साह के लिए लोग क्या करते हैं, खुशी बांटते हैं और होली का त्योहार मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, मेवाड़ में होली के मौके पर कौन सा नृत्य किया जाता है? मेवाड़ में होली के मौके पर गैर नृत्य किया जाता है। कहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है? कहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी की लठ होली जो है वह प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी की
लठ मार होली प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 13 है, शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है? तो वही हमने मेवाड़ में देखा गैर नृत्य किया जाता है, तो शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर जो नृत्य होता है वह गींदड़ नृत्य कहलाता है। ठीक है, मेवाड़ में, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में तो होली पर भगोरिया भी खेला जाता है, ठीक है, और गैर नृत्य किया जाता है। और वहीं पर शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर क्या किया जाता है? गींदड़ नृत्य किया जाता है। किस जगह की पत्थर होली प्रसिद्ध है? पत्थर होली जो है वह किस जगह की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की पत्थर होली में जो ईलो जी की बारात भी निकाली जाती है, और बाड़मेर की पत्थर होली जो है वह प्रसिद्ध है। तो इस होली के अवसर पर यहाँ बाद में रोने बिलखने में ये बदल जाती है, तो इससे भी लोगों का मनोरंजन होता है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, अक्षय तृतीया जिसे हम अखतीज कहते हैं यह कब मनाई जाती है? अक्षय तृतीया या अखतीज कब मनाई जाती है? तो यह बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। जैनों का सबसे पवित्र उत्सव पर्युषण कब मनाया जाता है? जैनों का सबसे पवित्र उत्सव पर्युषण कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है भाद्रपद में। भाद्रपद में जैनों का सबसे पवित्र उत्सव पर्युषण मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, पर्युषण का अंतिम दिन क्या कहलाता है? पर्युषण का जो अंतिम दिन होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संवत्सरी। ठीक है, संवत्सरी। मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा को दूसरे किस नाम से जानते हैं? मुसलमानों का जो उत्सव है ईद उल जुहा, इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है कि मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा को बकरा ईद के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ईद उल जुहा कब मनाया जाता है? ईद उल जुहा कब मनाया जाता है जिसे बकरा ईद भी कहते हैं? तो इसे जिल हिज की 10वीं तारीख को, जिल हिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है इस्माइल की कुर्बानी में। मोहम्मद साहब के जन्म और मरण की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मुसलमानों द्वारा मोहम्मद साहब के जन्म और मरण की स्मृति में बरावफात का त्योहार मनाया जाता है। रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है? रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ईद उल फितर। ठीक है, ईद उल फितर कहलाता है। तो आज हमने राजस्थान के प्रमुख त्योहार कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे राजस्थान के मेले। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। आप लोग ये 22 क्वेश्चन जो है वो इनको रट लीजिएगा, और इससे पहले आरबीएससी की बुक जो हमने पहले की थी वहां भी हमने मेले त्योहार जो है वो पढ़े थे। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।